हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन रूल इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम सभी जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिन्हें कि हम वाइब्रेशनल क्वांटम संख्या वीके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिन्हें कि हम रोटेशनल क्वांटम संख्या जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन के लिए जो मॉलिक्यूल को जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो यूवी एंड विजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट होता है और हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। यहाँ पे वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है, और हमें यहाँ इसके लिए जो एनर्जी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? आईआर या माइक्रोवेव रीजन से। और क्योंकि इस रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल केवल रोटेशनल या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को ही दर्शाता है। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है? माइक्रोवेव रीजन से या आईआर रीजन से। यहाँ पे इसको हम एक इस सिंपल डायग्राम के द्वारा भी, एनर्जी लेवल डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मूल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था है और ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक अवस्था है। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं जिनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और इन जैसे ये हम मूल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल देखेंगे जिसके लिए ई का वैल्यू जीरो है। तो उस स्थिति में देखो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं जिनको कि वाइब्रेशनल क्वांटम संख्या 0, 1, 2 के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल इंफ्रारेड रीजन से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो उस स्थिति में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होंगे, और उस कारण से वो इस तरह से लो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से हाई वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में जाएगा और हमें आईआर स्पेक्ट्रा देगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है उनकी तुलना में वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, और यहाँ पे देखिए ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है इन्हीं के बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को देखेंगे तो जिनको कि रोटेशनल क्वांटम संख्या जे से रिप्रेजेंट किया गया है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये वाइब्रेशन की तुलना में और भी कम है। मतलब इसके लिए इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन के लिए मॉलिक्यूल को बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि इनको माइक्रोवेव रीजन से भी मिल जाती है। लेकिन क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बीच में ही रोटेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उस स्थिति में यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के साथ में रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो सिलेक्शन रूल्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो यहाँ पे वो सिलेक्शन रूल के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन रूल ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके बीच में इंट्रैक्शन जो होता है वो क्वांटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है, और सिलेक्शन रूल जो भी मॉलिक्यूल सिलेक्शन रूल का या जो भी ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल का को फॉलो करते हैं उनको अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है, जबकि जो ट्रांजिशंस इन सिलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहा जाता है। अलाउड ट्रांजिशन के थ्रू जो हमें सिग्नल प्राप्त होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, वो जो पीक्स या बैंड्स हमें प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, उनकी इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, जबकि
फॉरवर्ड एंड ट्रांजिशंस के थ्रू हमें वीक बैंड्स या वीक स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होंगे। जब भी किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के थ्रू हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तो उस स्थिति में मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में यहाँ पे चेंज होना चाहिए, तभी हमें वो मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रा यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए सबसे जो मेन नियम है वो है कि उस स्थिति में मॉलिक्यूल उस स्थिति में एनर्जी को अवशोषण करेगा जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल बराबर हो। उसी स्थिति में वो मॉलिक्यूल एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और हमें उस मॉलिक्यूल का आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। दूसरा सिलेक्शन रूल है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हमें पता है डाइपोल मोमेंट या तो होता है या नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो उस स्थिति में उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी। तो अगर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है तो वो मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रा देगा, ठीक है। लेकिन वो कब देगा, जब वो वाइब्रेशन या वाइब्रेशन के दौरान उस मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंज हो। यहाँ पर जैसे ये दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, H2 और N2 का होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो इनमें किसी ये मॉलिक्यूल किसी तरह का आईआर स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। CO2 भी लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें इसमें जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं उस स्थिति में यहाँ पे म्यू की वैल्यू डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो उस स्थिति में डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, तो उस स्थिति में हमें आईआर ये एक तरह से मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव हो जाता है, यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रा यहाँ इसके प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो तो उस स्थिति में क्या होगा, मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंज हो जाएगा और उस स्थिति में हमें आईआर स्पेक्ट्रा यहाँ पे प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूल है, CO2 के मॉलिक्यूल में ये एक तो ये वाली स्थिति होती है जब उसके में कोई भी मतलब डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, म्यू की वैल्यू जीरो है। ये तो एक तो दोनों बॉन्ड इस तरह से स्ट्रेच हो रहे हो एक साथ सिमेट्रिक रूप में, है ना। और एक स्थिति है एसिमेट्रिक वाली, जब दोनों बॉन्ड्स इस तरह से स्ट्रेच हो रहे हो, तो इस स्थिति में मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा। यहाँ पे इस स्थिति में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जबकि यहाँ पे ये स्थिति होगी जहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो उस स्थिति में ये जो मॉलिक्यूल है CO2 का, ये आईआर एक्टिव हो जाएगा। तीसरी स्थिति है कि जो आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए जो क्वांटम संख्या है उनमें इकाई की वृद्धि होती है या कमी होती है, इसका मतलब है डेल्टा वी इजिकल टू प्लस माइनस वन। लेकिन यहाँ पे प्लस साइन तो अवशोषण स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करता है। और हम सभी जानते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह ही अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जहाँ पे ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्व करता है। तो यहाँ पे इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होगा वो होगा डेल्टा वी इजिकल टू प्लस वन, मतलब मॉलिक्यूल लो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से जस्ट अपर वाले वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट हो रहा है जब वो इंफ्रारेड रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह के अब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप जो हमें बैंड्स प्राप्त होंगे, यहाँ पे हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो बैंड के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस तरह के स्पेक्ट्रा में जब वो बैंड्स प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे फंडामेंटल बैंड्स, जो कि अलाउड ट्रांजिशन के थ्रू हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन और इन बैंड्स की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कुछ और बैंड्स भी हमें प्राप्त होते हैं आईआर स्पेक्ट्रा में। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल वाइब्रेशन एनर्जी लेवल V0 से V2 में जा रहा हो, जिसके लिए वाइब्रेशन एनर्जी लेवल का मान 2 हो, मतलब वो जस्ट ऊपर वाले वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की तुलना में उससे ऊपर वाले वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में जा रहा हो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो उस स्थिति में भी हमें बैंड्स प्राप्त होंगे लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होगी। और जहाँ पे V0 से V1 में जाने पर उन बैंड्स को हम फंडामेंटल बैंड्स कहेंगे, वहीं V0 से V2 में जाने पर उन बैंड्स को हम प्रथम अधिस्वरक या
फर्स्ट ओवरटोन नाम देंगे। अगर मॉलिक्यूल V0 से V3 में जा रहा है तो उसको हम सेकंड ओवरटोन या द्वितीय अधिस्वरक कहेंगे। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल के एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाने पर हम उसके फंडामेंटल बैंड्स या ओवरटोन्स को हम पता कर सकते हैं। फंडामेंटल बैंड्स की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वो अलाउड ट्रांजिशन के थ्रू हमें प्राप्त होते हैं, जबकि जो ओवरटोन्स होते हैं इनकी इंटेंसिटी कम होती है। ये जो बैंड्स होते हैं ये वीक बैंड्स होते हैं और ये फॉरबिडन ट्रांजिशन के थ्रू हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। थैंक्स।